नमस्ते एंड वेलकम। मैं केशाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवधारणा क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं के संघर्ष की अवधारणा पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि सभ्यताओं के संघर्ष की अवधारणा के क्या मायने हैं। सभ्यताओं का संघर्ष, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन की अवधारणा का विचार शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सैमुअल पी हंटिंगटन के लेख से उभरा। सैमुअल पी हंटिंगटन ने 1993 के अंतर्गत एक आर्टिकल लिखा क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं का संघर्ष। यह आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स जनरल के अंतर्गत अमेरिका के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। इस आर्टिकल के अंतर्गत सैमुअल पी हंटिंगटन ने उत्तर शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था का विश्लेषण करने का प्रयास किया और यह समझाने का प्रयास किया कि पोस्ट कोल्ड वार के अंतर्गत यानी जो उत्तर शीत युद्ध के बाद की स्थिति उत्पन्न हुई है उसके अंतर्गत वैश्विक व्यवस्था किस तरह की होगी। इस बात को इस आर्टिकल के अंतर्गत सैमुअल पी हंटिंगटन ने रेखांकित किया और इसके बाद में इस आर्टिकल को विस्तृत रूप सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत किया। यह पुस्तक सैमुअल पी हंटिंगटन की 1996 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इस आर्टिकल एवं इस पुस्तक के माध्यम से सैमुअल पी हंटिंगटन ने इस बात को रेखांकित किया कि जो उत्तर शीत युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था होगी वह किस तरह की वैश्विक व्यवस्था होगी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक व्यवस्था में किस तरीके का बदलाव आया है या किस तरह का बदलाव आएगा, इन सभी बातों को सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक और इस आर्टिकल क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन के अंतर्गत विश्लेषण करने का प्रयास किया। सैमुअल पी हंटिंगटन ने इस आर्टिकल और अपनी इस पुस्तक के माध्यम से यह बताया कि जो उत्तर शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था होगी, 21वीं सदी की जो वैश्विक व्यवस्था होगी वह बढ़ते तनाव और संघर्ष की व्यवस्था होगी। यानी हंटिंगटन ये कह रहे हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संघर्ष की समाप्ति नहीं होगी बल्कि और ज्यादा संघर्ष होगा और ज्यादा तनाव बढ़ेगा, लेकिन इस तरह के संघर्ष और तनाव की जो प्रकृति है वो वैश्विक व्यवस्था में दूसरे तरह की होगी। सैमुअल पी हंटिंगटन लिखते हैं कि उत्तर शीत युद्ध के बाद जो संघर्ष होगा वो वैचारिक संघर्ष नहीं होगा, यानी आइडियोलॉजी के आधार पर या राजनीतिक आधार पर या आर्थिक अंतर के आधार पर, आर्थिक विचारधारा, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर संघर्ष नहीं होगा। यानी वैचारिक, राजनीतिक या आर्थिक आधार पर संघर्ष नहीं होगा बल्कि संघर्ष किस तरीके का होगा। हंटिंगटन लिखते हैं कि जो उत्तर शीत युद्ध के अंतर्गत, उत्तर शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत जो संघर्ष होगा उसकी जो प्रकृति है वो सांस्कृतिक होगी, कल्चरल होगी। यानी कल्चरल डिफरेंस के कारण, सांस्कृतिक अंतर के कारण उत्तर शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत संघर्ष होंगे। हंटिंगटन कहते हैं कि वैश्विक राजनीति का एक नया युग उभरा है उत्तर शीत युद्ध की स्थिति के अंतर्गत, जिसमें राष्ट्र राज्यों की बजाय प्राथमिक है वो सभ्यताएं प्राथमिक होगी, सभ्यताएं प्राथमिक होगी यानी सिविलाइजेशन है वो प्राथमिक शक्ति होगी। और सभ्यता का निर्माण किससे होगा, सभ्यताओं का निर्माण है वो संस्कृति से होगा। यानी हंटिंगटन के कहने का अभिप्राय यह है कि पोस्ट कोल्ड वार की जो ग्लोबल सिस्टम होगा, उत्तर शीत युद्ध की स्थिति के अंतर्गत जो वैश्विक व्यवस्था होगी वो एक नए तरह की वैश्विक व्यवस्था होगी जिसके अंतर्गत सभ्यताएं प्राथमिक शक्ति होगी। इन सभ्यताओं के निर्माण के अंतर्गत संस्कृति की, पहचान की, धर्म की, भाषा की, इनकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। संस्कृति, धर्म,
भाषा पहचान इससे मिलकर ही सभ्यता का निर्माण होगा। तो हंटिंगटन ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर शीत युद्ध के अंतर्गत ये सभ्यताएं प्राथमिक शक्ति के रूप में होगी और सभ्यताओं का निर्माण है वो संस्कृति के आधार पर होगा और उत्तर शीत युद्ध के अंतर्गत जो संघर्ष होगा संघर्ष की प्रकृति होगी वो इन्हीं सांस्कृतिक अंतर के कारण सभ्यताओं के मध्य संघर्ष होगा। हंटिंगटन अपनी पुस्तक क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन के अंतर्गत लिखते हैं कि जो उत्तर शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था है वह बहु ध्रुवीय एवं बहु सभ्यतावादी यानी मल्टीपोलर एंड मल्टी सिविलाइजेशनल ग्लोबल ऑर्डर है, यानी बहु ध्रुवीय और बहु सभ्यतावादी वैश्विक व्यवस्था है उत्तर शीत युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था। हंटिंगटन के अनुसार इस वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत इस सभ्यताओं की दुनिया के अंतर्गत 9 प्रमुख सभ्यताएं होगी, 9 मेजर सिविलाइजेशन शामिल होगी। इन सिविलाइजेशन के अंतर्गत हंटिंगटन कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न सिविलाइजेशन होगी, सिनिक या चाइनीज सभ्यता, जापानीज सभ्यता, हिंदू सभ्यता, इस्लामिक सभ्यता, बौद्ध सभ्यता, अफ्रीकी सभ्यता, लेटिन अमेरिकन सभ्यता और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन रूढ़िवादी ईसाई सभ्यता। कुल मिलाकर हंटिंगटन के अनुसार पोस्ट कोल्ड वार एरा के अंतर्गत उत्तर शीत युद्ध के युग के अंतर्गत दुनिया के अंतर्गत 9 प्रमुख सभ्यताएं होगी और ये 9 प्रमुख सभ्यताएं वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक शक्ति की भूमिका निभाएगी, यानी ये वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख कर्ता के रूप में उभर करके सामने आएगी। हंटिंगटन कहते हैं कि ये जो 9 प्रमुख सभ्यताएं हैं इन सभ्यताओं की संस्कृति अलग अलग है, यानी धर्म भाषा इनकी पहचान है वो अलग अलग है और उत्तर शीत युद्ध के अंतर्गत इन्हीं 9 सभ्यताओं के मध्य संघर्ष है वो देखने को मिलेगा। तो हंटिंगटन इस पुस्तक क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन के अंतर्गत ये बताने का प्रयास करते हैं कि उत्तर शीत युद्ध की वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत इन 9 सभ्यताओं के मध्य सांस्कृतिक अंतर के कारण संघर्ष है वो देखने को मिलेगा, यानी उत्तर शीत युद्ध की स्थिति के अंतर्गत युग के अंतर्गत जो संघर्ष है वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत वो वैचारिक अंतर के कारण नहीं होगा, आर्थिक व्यवस्था के अंतर के कारण भी नहीं होगा, बल्कि संघर्ष किस वजह से होगा, इन सभ्यताओं के मध्य संघर्ष है वो सांस्कृतिक अंतर के कारण देखने को मिलेगा। हंटिंगटन अपनी पुस्तक क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन के अंतर्गत इन सभ्यताओं के मध्य होने वाले संघर्ष को 2 रूपों के अंतर्गत रेखांकित करते हैं, पहला फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा कोर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंतर इस प्रकार का जो संघर्ष होगा वह राज्यों के अंतर्गत सांस्कृतिक जो समूह हैं उनकी पहचान की विविधता उनके पहचान के अंतर के कारण होगा। जैसे अगर हम उदाहरण ले फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट का, तो श्रीलंका के अंतर्गत जो सिंगल और तमिल के मध्य संघर्ष है वो किस तरह का संघर्ष है वो फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट का ही उदाहरण है। यानी फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट का कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि ये संघर्ष है सांस्कृतिक समूह कल्चरल ग्रुप्स के मध्य जो सांस्कृतिक अंतर है उनके कारण सांस्कृतिक समूहों के मध्य संघर्ष होगा, ये संघर्ष मुख्यतः राज्यों के भीतर है वो देखने को मिलता है। दूसरा जो संघर्ष है वह हंटिंगटन की दृष्टि के अंतर्गत महत्वपूर्ण है वो है कोर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रकार का जो संघर्ष है सभ्यताओं के मध्य वह संघर्ष कोर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल लेवल पर होगा, वैश्विक स्तर पर होगा। हंटिंगटन ये कहते हैं कि उत्तर शीत युद्ध की स्थिति के अंतर्गत उत्तर शीत युद्ध के युग के अंतर्गत ये 9 प्रमुख सभ्यताएं होगी, लेकिन ये सभ्यताएं प्रत्येक सभ्यता है वो अपना कोर स्टेट डेवलप कर लेगी, कोर स्टेट विकसित कर लेगी यानी केंद्रीय राज्य विकसित कर लेगी
और ये सभ्यताएं प्रत्येक सभ्यता अपने केंद्रीय राज्य के प्रति निष्ठा के रूप में काम करेगी, यानी ये केंद्रीय राज्य है ये प्रत्येक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करेगा, उसके सांस्कृतिक जो मूल्य है, उसके जो सांस्कृतिक विश्वास और परंपराएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व कोर स्टेट करेगा, यानी प्रत्येक सभ्यता का एक कोर स्टेट विकसित होगा और ये कोर स्टेट है वो केंद्रीय राज्य है, परमाणु शक्ति संपन्न भी होगा। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर जो संघर्ष होंगे वो सभ्यताओं के मध्य संघर्ष होंगे और प्रत्येक सभ्यता का एक दो कोर स्टेट भी होगा, केंद्रीय राज्य भी होगा, जो उस सभ्यता के सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करेगा। तो हंटिंगटन लिखते हैं कि फोर्थ लाइन जो कॉन्फ्लिक्ट है वह सांस्कृतिक समूहों के मध्य, कल्चरल ग्रुप्स के मध्य, राज्यों के भीतर ही सांस्कृतिक अंतर के कारण सांस्कृतिक समूहों के मध्य संघर्ष होगा, जबकि ग्लोबल लेवल पर जो सांस्कृतिक अंतर के कारण संघर्ष होगा वो सभ्यतागत संघर्ष होगा, कोर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी प्रत्येक सभ्यता का जो नेतृत्व है वो एक कोर स्टेट के द्वारा किया जाएगा। जैसे वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, पश्चिमी जो सभ्यता है, उसका कोर स्टेट अगर हम देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, यह पश्चिमी सभ्यता के अंतर्गत कोर स्टेट के रूप में उभरे हैं, केंद्रीय राज्य के रूप में उभरे हैं। सीनिक या चाइनीज या कन्फ्यूशियस जो सिविलाइजेशन है, इसके अंतर्गत केंद्रीय राज्य के रूप में चीन उभरा है और जापानी सभ्यता के अंतर्गत कोर स्टेट के रूप में जापान उभरा है। बाकी सभ्यताओं का अब तक कोर स्टेट विकसित नहीं हुआ है, इन सभ्यताओं का कोर स्टेट विकसित होने की ओर अग्रसर है, यानी अभी तक इनका कोई कोर स्टेट है वो उभर करके सामने नहीं आया है, भविष्य के अंतर्गत इन सभ्यताओं के भी कोर स्टेट उभर करके सामने आएंगे, ऐसा सैमुअल पी हंटिंगटन का मानना है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन अपनी इस विवादित थीसिस क्लेस ऑफ सिविलाइजेशन के अंतर्गत यह दावा करते हैं कि उत्तर शीत युद्ध की स्थिति, उत्तर शीत युद्ध के युग के अंतर्गत 9 प्रमुख सभ्यताएं होगी और जो उत्तर शीत युद्ध के अंतर्गत संघर्ष है वो इन सभ्यताओं के मध्य होगा और उस संघर्ष का जो मूल कारण है वह सांस्कृतिक अंतर होगा और इसी सांस्कृतिक अंतर के कारण इन सभ्यताओं के मध्य संघर्ष देखने को मिलेगा। इस मैप के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 9 प्रमुख जो सभ्यताएं हैं वह किस किस क्षेत्र के अंतर्गत है। इसको मैंने, इस मैप को मैंने सैमुअल पी हंटिंगटन की पुस्तक क्लेस ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर 1996 से लिया है। इसमें आप देख सकते हो कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसको और ज्यादा विस्तृत रूप में आप यहाँ क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं, ये मैप है मैंने विकिपीडिया से लिया है। जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन, ये भूतपूर्व जो सोवियत संघ है ये ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन के अंतर्गत है। इस्लामिक सिविलाइजेशन, यह उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र और जो मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है यह इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंतर्गत हंटिंगटन रखता है। बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन यह भूटान का क्षेत्र और लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का जो क्षेत्र है यह हंटिंगटन बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन के अंतर्गत रखता है। भारत का जो क्षेत्र है इसको हंटिंगटन हिंदू सिविलाइजेशन के अंतर्गत रखता है और दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है इसको हंटिंगटन अफ्रीकन सिविलाइजेशन के अंतर्गत रखता है। लेटिन अमेरिकन, ये जो दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है इसको लेटिन अमेरिका भी कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र और जो ये केंद्रीय जो अमेरिका है इसका जो क्षेत्र है ये लेटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। सीनिक सिविलाइजेशन, ये जो चीन का जो क्षेत्र है ये सीनिक चाइनीज या कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन के अंतर्गत हंटिंगटन रखता है। जापानीज सिविलाइजेशन, यह जो जापान का जो क्षेत्र है
इसको हंटिंगटन जापानीज सिविलाइजेशन के अंतर्गत रखता है। तो इस मैप के माध्यम से आप ये समझ सकते हो कि कौन सी सभ्यता है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत उभर रही है। हंटिंगटन के अनुसार ये जो नौ सभ्यताएं हैं यह असंगत मूल्यों पर आधारित है, यानी हंटिंगटन का कहता है कि ये जो सभ्यताएं हैं इन सभ्यताओं की जो संस्कृति है, इन सभ्यताओं के जो मूल्य है, इन सभ्यताओं की जो पहचान है वह एक दूसरे से असंगत है, यानी एक दूसरे से पृथक है, इसलिए इन सभ्यताओं के मध्य प्रतिद्वंदिता और संघर्ष है वो अनिवार्य है और उत्तर शीत युद्ध के अंतर्गत इन्हीं सभ्यताओं के मध्य संघर्ष मिलेगा। हंटिंगटन लिखते हैं कि इन सभ्यताओं के अंतर्गत भी चीन और पश्चिम के बीच, चीनी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के मध्य संघर्ष है वो अनिवार्य रूप से उभर करके आएगा। हंटिंगटन कहता है कि चीन की सभ्यता है वो तेजी से आर्थिक विकास के बावजूद भी अपने जो विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य उसके प्रति समर्पण रखती है। तो हंटिंगटन ये कहता है कि उत्तर शीत युद्ध के अंतर्गत सभ्यताओं के मध्य संघर्ष होगा और इन्हीं सभ्यताओं के अंतर्गत भी हंटिंगटन ये कहते हैं कि चीन और पश्चिमी सभ्यता के मध्य संघर्ष देखने को मिलेगा और पश्चिमी सभ्यता और इस्लामिक सभ्यता के मध्य संघर्ष की संभावना देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हंटिंगटन ये कहता है कि वेस्ट यानी पश्चिमी सभ्यता और रेस्ट यानी बाकी सभ्यताओं के मध्य भी संघर्ष की पहचान है वो की जा सकती है। और हंटिंगटन ये लिखते हैं कि जब पश्चिमी सभ्यता और बाकी सभ्यताओं की हंटिंगटन बात करते हैं कि पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्ट और रेस्ट के बीच संघर्ष की संभावना की पहचान की जा सकती है, तो हंटिंगटन ये कहते हैं कि रेस्ट के अंतर्गत यानी बाकी जो सभ्यता है उसके अंतर्गत भी मुख्यतः कन्फ्यूशियस सभ्यता और इस्लामिक राज्यों का एक गठबंधन उभर करके आएगा, यानी कन्फ्यूशियस सभ्यता और इस्लामिक सभ्यता के जो राज्य है उनका एक गठबंधन उभर करके आएगा जो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके खिलाफ एक गठबंधन करेगा और इस पश्चिम विरोधी गठबंधन के द्वारा पश्चिम के विरुद्ध वेस्टर्न सिविलाइजेशन के विरुद्ध संघर्ष किया जा सकता है। तो हंटिंगटन ये कहते हैं कि उत्तर शीत युद्ध की स्थिति के अंतर्गत इन सभ्यताओं के मध्य संघर्ष है वो देखने को मिल सकता है, जिसमें हंटिंगटन चीन और पश्चिमी सभ्यता के मध्य संघर्ष की बात करते हैं, पश्चिमी सभ्यता और इस्लामिक सभ्यता के मध्य संघर्ष की बात करते हैं, वेस्ट और रेस्ट सिविलाइजेशन की जब वो बात करते हैं तो रेस्ट के अंतर्गत वो कन्फ्यूशियस और इस्लामिक राज्यों के पश्चिमी विरोधी गठबंधन की वो बात करते हैं कि पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के जो विरोधी गठबंधन है जैसे कन्फ्यूशियस और इस्लामिक राज्यों के गठबंधन के द्वारा इस तरह का सभ्यतागत संघर्ष है वो उत्तर शीत युद्ध की स्थिति के अंतर्गत उभर सकता है। तो अगर हम हंटिंगटन के इस दृष्टिकोण को देखें, हंटिंगटन के इस क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस को समझने का प्रयास करें, तो हंटिंगटन का ये जो क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का जो थीसिस है यह बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल थीसिस है, बहुत ही विवादित थीसिस है। बहुत से विद्वानों ने इस थीसिस की आलोचना की है कि हंटिंगटन इस तरह के सांस्कृतिक संघर्ष की बात करके, सभ्यतागत संघर्ष की बात करके, वह वैश्विक स्तर पर सभ्यताओं के मध्य संघर्ष की बात करके वह युद्ध को भड़काने वाली बात करता है, वह संघर्ष को भड़काने वाली बात करता है। तो हंटिंगटन के इस थीसिस की निंदा भी हुई जब 9/11 का आतंकवादी अटैक अमेरिका के अंतर्गत हुआ, तो जो हंटिंगटन के समर्थक विद्वान थे उन्होंने क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन के माध्यम से इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया कि जो ये 9/11 का जो आतंकवादी हमला है इससे पश्चिमी सभ्यता और इस्लामिक सभ्यता के मध्य युद्ध की शुरुआत हो गई है, संघर्ष की शुरुआत हो गई है। लेकिन बहुत से विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की कि इस तरह के जो आतंकवादी हमला है, 9/11 का जो अटैक है, उसको क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक राजनीतिक परिदृश्य के अंतर्गत इस 9/11 के अटैक को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो एंड्रयू हेव्ड ये लिखते हैं कि हंटिंगटन का ये जो क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का थीसिस है
यह एक तरह से यथार्थवाद का विकल्प प्रदान करता है कि उत्तर शीत युद्ध के अंतर्गत संघर्ष है वो राज्यों के मध्य न होकर के यह संघर्ष सभ्यताओं के मध्य होगा। हालांकि एंड्रयू हेवुड ये भी लिखते हैं कि हंटिंगटन ने यह भी स्वीकार किया कि उत्तर शीत युद्ध के अंतर्गत ये जो सभ्यताएं होगी ये सभ्यताएं अपने कोर स्टेट के प्रति निष्ठा के रूप में ही काम करेगी, यानी इन सभ्यताओं का एक कोर स्टेट होगा और ये सभ्यताएं अपने कोर स्टेट के प्रति निष्ठा से ही काम करेगी। इसलिए ऐसी स्थिति में उत्तर शीत युद्ध की युग के अंतर्गत भी जो नेशनल स्टेट है, नेशनल स्टेट है, राष्ट्र राज्य है, ये वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख अभिकर्ता बने रहेंगे। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने ये समझने का प्रयास किया कि क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन की थीसिस किस तरह के किस तरीके से पोस्ट कोल्ड वार का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका विश्लेषण करने का प्रयास करती है। उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन की जो थीसिस है वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।